व्हाट्स अप गाइस, ऑटोमेशन इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये है ऑटो टॉक्स का एक और नया एपिसोड। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली न्यूज जो यहाँ पे आ रही है वो है फोर्ड की तरफ से। फोर्ड की जो एंडेवर कार है उसका स्पोर्ट्स एडिशन देखा गया है, अभी उसको टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। सो ये फेस्टिवल सीजन में चांसेस हैं कि लॉन्च हो जाए और ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आएगा टोयोटा फॉर्चुनर की TRD स्पोर्टिवो से, जो कि अभी ऑन सेल है, जिसकी सेल भी काफी ज्यादा डिमांड में है क्योंकि उसके लुक्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं तो एंडेवर में पहले ही BS6 का अपडेट आ चुका था, जो कि 2 लीटर फोर सिलेंडर डीजल इंजन के साथ आता है, जो पावर निकालता है 170 HP की और टॉर्क निकालता है 420 Nm का। वहीं एक और जो खास खबर है इसके साथ, हो सकता है कि स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको 4x4 का ऑप्शन भी मिल जाए। अब अगर ये चीज इसके साथ होती है तो ये काफी अच्छी डील निकल के आएगी सामने। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस इसका डेफिनेटली ज्यादा होगा। अगर एक्स शोरूम की मैं बात करूं तो अभी एंडेवर स्टार्ट हो जाती है 29.99 लाख से, एक्स शोरूम की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। सो हो सकता है कि फेस्टिवल सीजन में आपको स्पोर्ट्स एडिशन देखने को मिल जाए। लेट्स सी आगे फ्यूचर में कितनी अपडेट्स आती हैं इस कार से रिलेटेड और आप लोगों को कितनी पसंद आती है कार जब मार्केट में आएगी। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है टाटा की तरफ से। अब काफी टाइम से टाटा की नेक्सॉन को लेकर रूमर चल रहे थे कि इसमें DCT ऑप्शन शायद देखने को मिल सकता है, लेकिन आज वो सारे रूमर्स खत्म हो गए। यहां पे DCT नहीं आया है, टाटा की तरफ से XM वेरिएंट में ही एक नई ट्रिम आई है XMS, जो आपको अब सनरूफ के साथ मिलती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। अब काफी लोग सनरूफ को पसंद करते हैं। सो आज टाटा की तरफ से रिवील किया गया है कि अब XM में आपको एक S वेरिएंट, एक S ट्रिम के साथ भी देखने को मिलेगा। अगर प्राइसिंग की मैं बात करूं तो ये जो XMS वेरिएंट है ये लगभग 60,000 महंगा है अभी जो आप XM वेरिएंट देख रहे हैं। X शोरूम प्राइस की बात करूं तो 8.36 लाख है इसका पेट्रोल मैनुअल पे और वहीं 8.96 लाख है इसका AMT पे। और अगर डीजल वेरिएंट की बात करूं तो 9.7 लाख आपको X शोरूम देखने को मिलेगा डीजल पे और डीजल ऑटोमेटिक में आपको मिलेगा 10.3 लाख। ये सारे प्राइस मैंने X शोरूम बताए हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है नेक्सॉन में। नेक्सॉन काफी ज्यादा पसंद करी जाती है इंडियन मार्केट में, काफी ज्यादा बायर्स है नेक्सॉन के। सो अब एक सनरूफ ऐड हो जाना काफी अच्छी चीज है, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी काफी पसंद आएगी। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप चाहते थे नेक्सॉन में सनरूफ या नहीं, बताएं कि कैसा लगता है आपको नेक्सॉन का ये अपडेट। अब जो नेक्स्ट न्यूज है वो काफी बड़ी न्यूज है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 118 एप्स को बैन कर दिया गया है, इंक्लूडिंग PUBG एंड PUBG लाइट। वैसे तो अभी ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको डाउनलोड करें। अगर हमारी सरकार इनको बैन कर रही है तो बहुत कुछ सोच समझ के बैन कर रही होगी। अब कई सारे ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे कि आप PUBG के लिए VPN यूज करें, आप PUBG लाइट के लिए VPN यूज करें, सेम जैसा कि आपने TikTok के साथ देखा था कि TikTok VPN के साथ डाउनलोड करके आप चला सकते हैं, बट आप ऐसा ना करें। सरकार बहुत सोच समझ के ऐसे कदम उठाती है। अगर उन्होंने बैन करी है ऐप को सो उसको आप डाउनलोड ना करें। अगर आपके फोन में है तो मैं इंसिस्ट करता हूं आपसे, प्लीज उसको डिलीट कर दें, यूज ना करें। अब वो बैन हो चुकी है, ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज है, PUBG बैन हो चुका है। आई नो गेमर्स के लिए काफी दुख वाली बात है, मैं खुद एक गेमर हूं, मैं भी गेम खेलता हूं, लेकिन सरकार जो डिसीजन ले रही है हमें उसमें सरकार का साथ देना है, हमें उनके खिलाफ नहीं जाना है। सो प्लीज अगर आपके फोन में है उसको डिलीट कर दें और VPN का इस्तेमाल करके डाउनलोड ना करें PUBG को। PUBG इज ऑफिशियली बैंड इन इंडिया। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट न्यूज यहां पे Volkswagen की तरफ से है। Volkswagen की पोलो और वेंटो दोनों ही अब 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च हो गई है। हालांकि पहले आपने BS4 इंजन के साथ 7-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखा होगा, लेकिन अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है BS6 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। सबसे पहले मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूं तो ये अब आपको 1 लीटर इंजन के साथ देखने को मिलेगी BS6 में, जो कि पहले 1.2 लीटर के साथ आपको देखने को मिलती थी BS4 इंजन के साथ, बट अब उसको थोड़ा डाउनसाइड किया गया है। 1 लीटर के साथ आपको देखने को मिलेगी 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पे पोलो की जो प्राइसिंग रखी गई है वो है 9.67 लाख एक्स शोरूम और दूसरी तरफ अगर वेंटो की प्राइसिंग की बात करूं तो वो रखी गई है 12.99 लाख एक्स शोरूम प्राइसिंग की यहां पे मैं बात कर रहा हूं। अब अगर इन दोनों ही कार की मैं बात करूं तो पर्सनली मेरे को पोलो ज्यादा अच्छी लगती है, उसकी हैंडलिंग और उसका पिकअप काफी ज्यादा अच्छा था मैनुअल सिस्टम पे। अब देखते हैं कि ऑटोमेटिक में कैसा रहता है, क्योंकि 1 लीटर इंजन भी अब इसमें दिया गया है, पहले जो कि 1.2 लीटर इंजन आता था। सो देखते हैं कि कैसा रहता है और आप लोगों को कितना पसंद आता है। पावर आउटपुट की बात करूं तो ये 1 लीटर इंजन आपको 110 HP की पावर देगा और 170 Nm का टॉर्क देगा। अगर इसको कंपेयर करूं 1.2 लीटर के साथ तो 1.2 लीटर इससे कम पावर देता था, ये 1 लीटर ज्यादा पावर दे रहा है। 1.2 लीटर इंजन आपको पावर देता था 105 HP की और ये नया इंजन आपको जो पावर दे रहा है वो है 110 HP की। सो पावर के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है,
काफी अच्छी पावर आपको प्रोवाइड की जा रही है। लेट्स सी कितनी पसंद आती है आपको ये कार। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आज का ऑटोटॉक्स का एपिसोड आपको कैसा लगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नहीं तो इंस्टाग्राम आपको पता ही है, इट्स मी एच टैगी, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो करें, वहां पर डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आप लोगों से जल्दी कनेक्ट हो पाता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।